Assalamualaikum viewers, आज टर्किश रेसिपी शक्शुका से इंस्पायर होकर मैंने ये एक चीज़ ट्राई की है, इसको गुलगुला भी कहते हैं। चलिए आए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया था। जैसे आपको पता कि मैं हमेशा लेफ्ट ओवर चीज़ें जो हैं उनसे कुछ नया ट्राई करती हूँ, तो ये रात का पड़ा हुआ था चिकन रोस्ट, उसको मैंने थोड़ा सा बच गया था, उसको थोड़ा थोड़ा बारीक मैंने काट लिया। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, आप कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सलामी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा चिकन ले लिया था। एक मीडियम छोटा टमाटर हाफ, थोड़ी सी स्पिनच, एक मीडियम साइज़ का मशरूम बारीक काट लिया था उसको, और थोड़ा सा कोरिएंडर, एक मीडियम साइज़ का अनियन उसको भी बारीक मैंने चॉप कर लिया, नमक हसबे ज़रूरत, एक टीस्पून रेड चिली पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला और थोड़ी सी एक चुटकी के बराबर काली मिर्च, 3 से 4 अंडे इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा पैन मैंने गरम कर लिया। अब इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल डाला। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर तक हम पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है। कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो अंडे नहीं खाते फ्राइड, तो ये डिफरेंट तरीके से आप ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। बिल्कुल आप इसको बच्चों के लिए पिज़्ज़ा कैट भी खिला सकते हैं, शौक से खा लेते हैं। 2-3 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें चिकन डालूंगी। अगर आपने कच्चा चिकन डालना तो उसको ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पकाना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट, लेकिन ये चूंकि पका हुआ तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। ऐसे ही बस प्याज में मिक्स करके एक मिनट मैंने उसको पकाया, फिर सारे मसाले डाल दिए और साथ ही अब मैं इसको 1-2 मिनट और पकाऊंगी। आपने अगर कच्चा डाला तो उसको 2-3 मिनट तक पकाएं ताकि वो पक जाए। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, टमाटर को भी 1 मिनट के लिए सौते करेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। और फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगी। एक 1.5 मिनट तक मैंने इसको पकाया। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूंगी, जैसे मशरूम, और साथ ही मैंने वो पालक डाल दी थी, बिल्कुल एक छोटे साइज़ का मशरूम था, मीडियम साइज़ का, थोड़ी सी मैंने पालक डाली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। इसमें चंद पत्ते थे, 6-7 पत्ते छोटे, उनको बारीक काट लिया था। अब सारे इस मिक्सचर को मैं बिल्कुल मिडल में करूँगी, इकट्ठे कर लूँगी मिडल में। मेरे पास पैन थोड़ा बड़ा था, आप छोटा इस्तेमाल करें उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसके ऊपर मैं अंडे डाल दूंगी, एहतियात के साथ मिक्सचर के ऊपर, अगर अंडा फैल जाता है, टूट जाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये और अच्छी बात है क्योंकि ये सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके से बाइंड कर देगा, आपस में जोड़ देगा उसको जल्दी, तो कोई फिक्र की बात नहीं अगर अंडा टूट जाता है, क्योंकि ये पैन भी मेरे पास बड़ा है तो वो साइडों पे ज़्यादा फैल रहा है। आपके पास छोटा होगा तो उससे अंडा ज़्यादा साइडों पे नहीं फैलेगा, वो बिल्कुल ऊपर ही ठहर जाएगा। तो अगर पैन बड़ा तो कोई बात नहीं, आप साइडों से चम्मच की मदद से उसको ऊपर डाल दें। मुझे चूँकि मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी सी मिर्चें ऊपर स्प्रिंकल कर दी हैं, आप चाहें तो डाल दें लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने लिखवाया था उसको ऊपर स्प्रिंकल कर लें। सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, पैन बड़ा होने की वजह से मुझे बार बार अंडा जो है उसको दरमियान में करना पड़ रहा है। आपके पास छोटा पैन है तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने इसको कवर कर दिया, तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको कवर करना है। आप अपने हिसाब से देख लें, मे बी 4 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2-3 मिनट तक पकाऊँगी। अंडे का ऊपर वाला जो हिस्सा है स्टीम में पकेगा, तो 2-3 मिनट तक इसको पकाते हैं, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। अंडा रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने मज़े का ये बिल्कुल
पिज़्ज़े की तरह लग रहा है। अब इसको बहुत एहतियात के साथ हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आग मैंने बंद कर दी है, अब इसको बहुत एहतियात के साथ प्लेट में हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाती है और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से ये बनता है, बहुत मज़े का। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह कटेगा और बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी ट्राई करवाएं। आई एम श्योर कि वो इस तरीके से आप बना के देंगी तो बच्चे ज़रूर शौक से अंडा खाएंगे। टर्किश लोग जब ये रेसिपी बनाते हैं तो वो इसमें बहुत ज़्यादा टमाटो सॉस वगैरह डालते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल अपने स्टाइल से बनाया है। आप भी इसमें वेरिएशंस ला सकते हैं, डिफरेंट तरीके से चाहें तो टमाटो सॉस डालें, पर मैंने नहीं डाला, मुझे ये ऐसे ही पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thank you.